हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज जो मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, ये खासकर न्यूली ब्राइड के लिए मैंने शेयर किया है, और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सोवर सा, बहुत ही अच्छा लगने वाला। आप नाइट और डे दोनों में ही इस मेकअप लुक को कर सकते हो। और तो यहाँ पर देखिए, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने ये मेकअप लुक कैसे शेयर किया है। और ये मेकअप लुक खासकर मैं हरितलिका तीज के लिए शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सभी को मालूम है कि हम जब भी कोई मेकअप लुक करते हैं तो वहाँ पर हमें हमेशा पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों स्टेप बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है, तो जैसे मेरी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है गर्मियों में, तो मैं मॉइस्चराइजिंग स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर से हर क्रीम में भी, हर फाउंडेशन या आप बीबी क्रीम वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी क्रीम होती है, तो उसकी वजह से भी मेरी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। तो मैं स्किप कर देती हूँ, और फिर अब मैं क्लिनिक टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करने के बाद, मैंने यहाँ पर प्राइमर लगाया था तो प्राइमर में लगा ली हूँ, और उसको अच्छे से भी ब्लेंड कर ली हूँ। ज़्यादातर से मैंने जिस जगह मेरे को पसीना आता है उस जगह मैंने ज़्यादा लगाया है, तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फाउंडेशन। तो अभी ये फाउंडेशन मैं देखिए कितना सा लूँगी, मैं अभी पहले थोड़ा सा ही लूँगी, अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगेगा तो मैं थोड़ा सा और ले लूँगी। और मैं यहाँ पर आज मैं कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं सिर्फ फाउंडेशन लगाऊँगी बस, और कंसीलर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और डॉट डॉट करके मैं फाउंडेशन को लगा लूँगी और हाथों से ही ब्लेंड करूँगी। मुझे हाथों से ही करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। और स्पंज से अगर हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा उसमें चला जाता है, तो इस हाथों से ब्लेंड करने से क्या, मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी कम यूज़ होता है। और मैं तो अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। अब फाउंडेशन लगाने के बाद, गर्मी का सीज़न है तो वैसे तो अगर ठंडियों का टाइम होता है तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर स्किप कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, जो कि मेरे फाउंडेशन को अच्छे से लॉक कर देगा और पसीना कम आएगा इससे। तो मैंने अभी थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है, क्योंकि मुझे गर्मी में जब मैं मेकअप कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसीना भी आने लगता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। बट और पाउडर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और उसके बाद फिर अब मैं करूँगी अपना आई मेकअप। और आई मेकअप मैं यहाँ पर बहुत ही लाइट ये ग्रीन कलर भी लिया है, क्योंकि जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ तो उसमें ग्रीन कलर का है, तो पैरेट ग्रीन कलर है, बिल्कुल लाइट ग्रीन है। तो ये लूँगी मैं दो कलर, एक ब्राउन। और ब्राउन इसलिए लिया है क्योंकि मेरे लहके में जो है थोड़ा सा गोल्डन और ब्राउन भी है उसमें शेड, तो इसलिए ये भी कलर लिए हैं मैंने। तो बस मैं आई मेकअप भी कर लूँगी इसके बाद, और फिर पर अभी मैं काजल लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्लश
लगाऊंगी तो मैं ब्लश बहुत ही लाइट लगाऊंगी, एकदम लाइट ही, और लाइट ही अच्छा भी लगता है। आप बहुत डार्क लगा लेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊंगी और हाइलाइटर नोज़ पे लगाऊंगी अपने, और बस जहाँ जहाँ हाइलाइटर की ज़रूरत है मुझे थोड़ा सा वहाँ वहाँ हाइलाइट लगाने के बाद फिर लिपस्टिक लगाऊंगी और मेरा मेकअप लुक भी हो जाएगा और रेडी। यहाँ पर मेरा ये फाइनल, मैं एकदम से मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है और बस अब बिंदी लगानी है और अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये मेरा है अब फाइनल लुक। तो बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप लोगों को, तीज में हर तली का तीज मेकअप लुक। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है आप किसी भी शादी में, फंक्शन में, और न्यूली ब्राइड आप न्यू हो तो भी आप ये मेकअप कर सकते हो, तो आप कभी भी एनी टाइम कभी भी कर सकते हो इस मेकअप को। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, तब अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।